हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और खैरियत से होंगे। तो आप लोगों की दुआ अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी किचन रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 11वें रोजे की इफ्तार। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट और बहुत ही टेस्टी एकदम क्रीमी फिरनी। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चावल को 3 से 4 घंटे भिगो दिया है। तो यहाँ हमारे चावल भीग गए हैं, इनको पानी से अलग कर लिया है। अब इसके बाद हम मिक्सी जार लेंगे और इनको इसमें डाल देंगे। ये करीबन 50 ग्राम चावल होंगे। तो अब इनको हम दरदरा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हम अपने चावल को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसके बाद हम चलेंगे गैस के साइड। अब यहाँ पर हम एक मोटा तले वाला पैन ले लेंगे और उसे हम गैस पर रख देंगे और गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 लीटर दूध लेंगे, तो उस दूध को अब हम अपने पैन में ऐड कर देंगे। कोशिश करें कि आप इसमें फुल फैट वाला ही दूध लें, जिससे हमारी फिरनी एकदम क्रीमी सी बने। और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख देंगे और एक उबाल आने देंगे। तो अब इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हम बॉयल आने के बाद अपने गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गैस के फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें अपने चावल के पेस्ट को ऐड कर देंगे। तो ये हमने अपने चावल का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको हम फिर से एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो बॉयल आने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारे दूध में फिर से बॉयल आना शुरू हो गया है और हमारे दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी शुरू हो गई है। अब इसके बाद हम एक पैन लेंगे। तो इस पैन को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे। ये हमने 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जिन ड्राई फ्रूट को हमने कट कर कर रख लिया था। 8 से 7 बादाम थे, 8 से 7 हमने काजू लिए थे, 10 से 12 हरे पिस्ते लिए, उनको हमने कट कर कर घी में ऐड कर दिया। इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 10 से 12 किशमिश लिए हैं और थोड़े से खरबूजे के बीज लिए, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारा फ्राई हो गया है। अब हम चलेंगे अपनी फिरनी के साथ। अब इनको हम फिरनी में ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने मिक्स कर दिए। हमने 2 चम्मच दूध में 1 पिंच केसर के धागे को भिगो कर रख दिया था। अब इसे हम डाल देंगे। इससे हमारी फिरनी बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर आ जाएगा। बट आपको केसर पसंद नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी फिरनी का अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक भी होनी शुरू हो गई है। जो ये हमारे साइड में फिरनी चिपक रही है, इसको हम हटा लेंगे। इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके ना। तो इसे हम अब कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे गैस की साइड और एक पैन ले लेंगे। तो उसमें हम 100 ग्राम चीनी ऐड करेंगे, इसकी हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो हम इसकी थोड़ी सी टाइट सी चाशनी बनाएंगे, हल्का सा तार बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी चाशनी बननी शुरू हो गई है और इसमें हम 2 इलायची के दाने डाल देंगे ये अच्छी सी खुशबू लाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसे अब हम गैस से हटा लेंगे। इसके बाद अब हम फिरनी की साइड चलेंगे। इसमें हम अपनी चाशनी को ऐड कर देंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, कंटिन्यू, इसे हमें छोड़ना नहीं है, अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, हमने अपनी चाशनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर हमने अपने फिरनी में सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। हमें अपनी फिरनी को थिक और बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी में रखनी है और देखेंगे कि एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी में आ गई है और चम्मच को एकदम कोट कर रही है, ना ही ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा थिक है। अब यहाँ पर हमारी फिरनी अच्छे से थिक और क्रीमी हो गई है। अब यहाँ पर हमारी फिरनी बनकर तैयार है और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे ताकि ठंडी होकर ही सेट हो जाए। अब इसे गार्निशिंग के लिए हम थोड़े से बादाम और काजू लेंगे, इसे हम गार्निशिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।
क्योंकि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे इफ्तार में ठंडा ठंडा सर्व। इसके बाद हम बनाएंगे अनार का जूस। यहाँ पर हमने दो अनार लिए, उनको छील कर और उनके बीज को धोकर रख लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी जार ले लिया है, इसमें हम अनार के दानों को ऐड कर देंगे। तो ये हमने अनार के दाने ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। ये हमने आधे चम्मच काला नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हम आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। तो ये हमने नींबू का रस ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम एक मोटी छेद वाली छलनी से छान लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने अपने अनार के जूस को छान लिया है। अब यहाँ पर हमने अनार का जूस को अच्छे से छान कर रख लिया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा अनार का जूस छन गया। अब हम यहाँ पर सर्विंग के लिए एक कप लेंगे। तो हमने अपने अनार का जूस को कप में सर्व कर लिया है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। एक नींबू के स्लाइस लिए, उसको हमने साइड में कोने पर लगा दिया है। और अब यहाँ पर पुदीना लगा देंगे। तो हमारा अनार का जूस बनकर तैयार है। अब इसके बाद बनाएंगे हम फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाने के लिए हमने एक क्रीम ले ली है, हमने अमूल की क्रीम ली है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मसाला डालना शुरू करेंगे। तो ये हमने आधे चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और इसमें हम आधे चम्मच चाट मसाला डालेंगे। ये हमने पाउडर शुगर डाल दी है। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम में। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी क्रीम बनकर तैयार है। अब इसके बाद हम अपने फ्रूट्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपने फ्रूट्स को पहले ही कट कर रख लिया था। अब इन फ्रूट्स को हम अपनी क्रीम में ऐड कर देंगे। तो यह आप देखेंगे कि हमने फ्रूट्स को क्रीम में ऐड कर दिया है। अब इनको हम अच्छे से क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो यह आप देख सकते हैं हमने अपने फ्रूट्स को अच्छे से मिला लिया और हमारा फ्रूट चाट बनकर तैयार है। आप इसे इफ्तार में ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो इसके बाद हम बनाएंगे मूंग दाल की पकौड़ी। हमने मूंग दाल ले ली, इसको हमने भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। इसको पानी को हमने अलग कर दिया है। तो अब इसको हम ग्राइंडर जार में थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे हमने अपनी मूंग दाल को ग्राइंड कर लिया है। और इसी तरीके की हमें ग्राइंड करने हैं। तो अब इसको हम एक अलग बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल लेंगे। तो ये हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम अपने मूंग दाल के पेस्ट को डाल लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी पूरी मूंग दाल को ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई एक प्याज ऐड करेंगे और बारीक कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। थोड़े से हमने करी पत्ते लिए थे, उनको कट कर ऐड कर लिया है। यह हमने हरा धनिया लिया, इसे भी ऐड कर लिया है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। यह हमने 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर दी है। यह हम नमक ऐड करेंगे, नमक आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यह हमने जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। यह हमने चाट मसाला ऐड कर दिया है। तब इसके बाद हम ऐड करेंगे, अब यहाँ पर हम 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। यह हमने गरम मसाला ऐड कर दिया। इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और इसको हम अब हम पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब इसमें हम अपनी पकौड़ियों को डालना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा बड़े साइज की पकौड़ी नहीं डालेंगे, छोटी छोटी पकौड़ी डालेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने पकौड़ियों को ऐड कर दिया है। यहाँ पर गोल्डन सा कलर भी आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर हम अपनी पकौड़ियों को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। हमारी पकौड़ी अब पकनी शुरू हो गई हैं और हम इनको अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। तो यह आप देख सकते हैं हमारी पकौड़ी फ्राई होकर तैयार है। अब इनको हम निकालना शुरू करेंगे। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। तो ये हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमने सभी पकौड़ियों को निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है। अब इसके बाद हम एक सर्विंग ट्रे लेंगे, उसमें अपनी पकौड़ियों को सर्व कर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने पकौड़ी रख दी है। अब इसके बाद हम इसमें चटनी रखेंगे, या हमने हरी चटनी रख दी है। अब यहाँ पर हम इसके बाद चना चाट बनाना शुरू करेंगे। ये चना चाट बनाने के लिए हमने चना ले लिए, इनको हमने पहले ही बॉयल कर रख लिया था। तो अब इसमें हम एक चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे और इसके बाद हम
एक टमाटर ऐड करेंगे, इसको हमने चॉप कर लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे हम चॉप किए हुए खीरे, ये हमने खीरे ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, ये हम हरी मिर्च डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पर दही, दही को हमने फैट लिया था, अब यहाँ पर हम दही डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर मसाले डालने शुरू करेंगे, ये हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, काला नमक है। यहाँ पर हमने एक चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, ये आधा चम्मच हमने चाट मसाला डाल दिया। अब यहाँ पर हमारी चना चाट बनकर तैयार है। अब सबसे लास्ट में हम चलेंगे अपने दस्तरखान के साइड, और यहाँ पर हम अपने सभी सामान को अच्छे से लगा लेंगे। तो ये आप देखेंगे कि हमने अपने सामान को अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इफ्तार से थोड़ी देर पहले बैठकर दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आप लोगों की रिज़्क में बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हम यहाँ पर अपनी इफ्तार कर लेते हैं, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।